नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो अलग अलग वीडियो चल रहे हैं। इन वीडियो को देखिए आप और कुछ अंदाजा लगाइए। आपको क्या अंदाजा लगता है? एक वीडियो है, एक तरफ फसेवरान महानगर पालिका का बुलडोजर एक दुकान का शटर तोड़ रहा है और दूसरी तरफ रात के समय में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब इन दोनों वीडियो का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध तो है। संबंध क्यों है कि ये दोनों ही वीडियो है वसईविरार महानगर पालिका क्षेत्र के। एक वीडियो जहां वसईविरार महानगर पालिका की हलगर्जी या नकारापन उसको जाहिर करता है, तो दूसरा वीडियो वसईविरार महानगर पालिका की दादागिरी को दर्शा रहा है। एक वीडियो में लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि इन लोगों को पानी नहीं मिलता है, यानी कि जो बेसिक एकदम प्रथम लेवल की जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिलती है। रात के समय में लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये नाथ बारा के श्रीराम नगर का ये वीडियो है। दूसरी तरफ का वीडियो वसईविरार महानगर पालिका अंतर्गत महानगर पालिका घरपट्टी टैक्स, हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं, उसको वसूली करने के लिए जब लोग अगर हाउस टैक्स नहीं भरते हैं तो उनका शटर तोड़ रही है दुकान का, वो दिख रहा है। अब ये दोनों वीडियो को मैं एक साथ में क्यों बता रहा हूं और क्या बताना चाहता हूं आपको, वो मैं बताऊंगा। इसके पहले एक और चीज, इसमें एक वीडियो, एक नई बात और भी है, वो भी आप सुनिए। इन दो वीडियो के अलावा एक तीसरा वीडियो और भी है, वो वीडियो है प्रहार जनशक्ति पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसमें प्रहार जनशक्ति पार्टी जो है वो काफी बड़े बड़े आरोप लगा रही है, वसईविरार महानगर पालिका पर आरोप लगा रही है, और उनके आरोप की जद में वसई के विधायक है, पूर्व महापौर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको यह समझ में आएगा। दरअसल मुद्दा मेरा यह है कि वसईविरार महानगर पालिका जो पहला एक वीडियो है तोड़क कार्रवाई कर रही है, जो बुलडोजर चला रही है वो शटर तोड़ रही है। यह वीडियो है जैसा मैंने अभी बताया, महानगर पालिका हाउस टैक्स जो लोग नहीं भर रहे हैं उनसे हाउस टैक्स वसूली करने के लिए इस तरह से दादागिरी अपना रही है। या तो आप टैक्स भरो, नहीं तो आपके घर पर बुलडोजर आ जाएगा। तब भी आपने टैक्स नहीं भरा तो वो बुलडोजर आपका दरवाजा तोड़ देगा। ये वसईविरार महानगर पालिका इस समय हाउस टैक्स वसूल करने के लिए अपना एक सिस्टम बना के बैठी हुई है, जबकि इस साल, इस करंट ईयर में सबसे ज्यादा हाउस टैक्स वसईविरार महानगर पालिका ने वसूला है। पिछले साल के बनिस्पत इस साल में 50 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स का रेवेन्यू वसईविरार महानगर पालिका का बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं। मैं अपने वीडियो में ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप टैक्स मत भरिए, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमको टैक्स भरना ही चाहिए, और टैक्स नहीं भर रहे तो किस तरह से महानगर पालिका दादागिरी कर रही है ये मैं दिखाया हूं। अब इस टैक्स के पैसे का क्या उपयोग होना चाहिए, इस पर मेरा सवाल है। वसईविरार महानगर पालिका अपनी टैक्स की वसूली के लिए तो इतनी तत्पर हो गई, लेकिन क्या अपने क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा दे रही है, यह सवाल बड़ा है। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले श्रीराम नगर में रात के समय में पानी नहीं आया तो लोगों ने रात के समय में प्रदर्शन किया, बल्कि चक्का जाम कर दिया। अब आप सोचिए, जिस महानगर पालिका में 2700 करोड़ का बजट हो, उस महानगर पालिका के लोग पानी जैसी साधारण चीज, बेसिक चीज के लिए दिन में ही नहीं रात में भी आंदोलन करते हैं, तो क्या शर्मनाक नहीं है? अभी 14 मार्च को जब बजट हुआ था उस दिन मैंने खुद, मेरे पहले कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे थे, बाद में मैंने खुद आयुक्त से सवाल पूछा था कि पानी व्यवस्था का क्या, तब आयुक्त ने सवाल ही सुनना उपयोगी नहीं समझा। तब दो बार मैंने आग्रह किया कि आप सवाल सुनिए, तो फिर आयुक्त ने सवाल सुना,
और जवाब दिया। हालांकि आयुक्त का जवाब भी वो बराबर नहीं था। खैर वो विषय अभी नहीं है, बात पे बात निकली तो मैंने कहा। अब तीसरा एक वीडियो जो प्रहार जनशक्ति पार्टी का है, वो वीडियो है प्रहार जनशक्ति पार्टी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप वसई विरार महानगर पालिका पर लगाया और उसने ये कहा कि वसई विरार महानगर पालिका जहां छोटे लोगों के खिलाफ एकदम से एक्शन लेती है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, नल कनेक्शन तोड़ दिए जाते हैं अगर पानी का बिल नहीं भरा गया हो तो, वहीं उसके उलट वसई के विधायक हितेंद्र ठाकुर, पूर्व महापौर राजीव पाटिल, बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक राजीव पाटिल, इन सभी की बिल्डिंगों के हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों का पानी टैक्स पानी पट्टी आज भी बाकी है और इनका नल कनेक्शन नहीं तोड़ा जाता है। तो कहीं न कहीं वसई विरार महानगर पालिका दबे कुचले लोगों की और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाती है, लेकिन यहां के पहुंचे हुए लोग जो है जिनका दायित्व है अपनी तरफ से ज्यादा टैक्स समय पर टैक्स भरना और जो कैपेबल भी है वो नहीं भरते तो उनको कुछ कहती नहीं है। तो ये आरोप लगाया, बड़ा आरोप है प्रहार जनशक्ति पार्टी का। इस आरोप का वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त को जवाब देना चाहिए और अगर आरोप सही है तो कार्यवाही करनी चाहिए। एक बार फिर से कहूंगा, आप जागरूक नागरिक है, अपने अपने घर का, अपने दुकान का, अपने सोसाइटी का टैक्स पानी बिल ये जरूर अदा कीजिए, लेकिन महानगर पालिका से सवाल पूछिए कि जब टैक्स है तो सुविधा क्यों नहीं, और सुविधा नहीं है तो टैक्स क्यों। और टैक्स की ही बात करें तो एक शिक्षण कर जो घर पट्टी टैक्स में हर एक से वसूला जाता है, आज 2009 से 2023 14 साल वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना को हो चुके हैं। ऐसे में वसई विरार महानगर पालिका में महानगर पालिका का अपना एक भी स्कूल नहीं है, लेकिन हर साल महानगर पालिका करोड़ों रुपया शिक्षण कर में वसूल करती है। आखिर ये सब पैसा जाता कहां है और इसका जिम्मेदार कौन है? आज के अधिकारी बोलते हैं कि पिछले अधिकारियों ने किया, लेकिन क्या आज के अधिकारियों ने व्यवस्था में कोई सुधार किया? क्यों नहीं? अब तक वसई विरार महानगर पालिका अपने क्षेत्र में एक भी स्कूल खड़ा कर पाई है। वसई विरार महानगर पालिका में 800 से ज्यादा आरक्षित भूखंड हैं महानगर पालिका के अपने, जिनमें से अधिकतर के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन किसी के ऊपर महानगर पालिका को फुर्सत नहीं है कि वो एक स्कूल या एक अस्पताल खड़ा कर दे। स्कूल और अस्पताल तो काफी दूर की बातें हैं, उनके लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है, लेकिन पानी जो बेसिक चीज है वो भी महानगर पालिका अपने लोगों को नहीं दे पा रही, ये हकीकत है और ये हकीकत आगे इस वीडियो में आप देख चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786